जो भी परेशानी विश्वविद्यालय में आपकी होगी उसमें हमारी छात्र सभा की इकाई की कमेटी और महानगर की कमेटी आपके साथ मदद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा छात्र नौजवान पीढ़ी जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके तहत हम समाजवादी पार्टी का सदस्य बना रहे छात्रों को और अब आप हमारे समाजवादी जी। मैं आयुष यादव महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा वाराणसी। आज आप क्या कर रहे हैं? ये छात्र नौजवान पीढ़ी जागरूकता अभियान का कार्यक्रम लगातार पूरे प्रदेश में चल रहा है और आज इसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने समाजवादी छात्र सभा महानगर कमेटी एवं इकाई विश्वविद्यालय विद्यापीठ की कमेटी ने आज आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास एनडी हॉस्टल पर सदस्यता अभियान किया है और सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर छात्रों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और हमारे पार्टी से जुड़े हैं छात्र। देखिए जैसा आप देख रहे हैं कि प्रदेश में छात्र नौजवान से ज़्यादा पीड़ित आज के डेट में कोई नहीं है। छात्र नौजवान आज अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। छात्र नौजवान आज यह सोच रहा है कि वह पेपर देगा तो क्या पेपर पास होगा कि नहीं होगा, ये तो अलग विषय है। पेपर लीक ना हो जाए सबसे बड़ी समस्या छात्रों के ऊपर यह है। छात्र आज जब दोबारा आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज हमारे विश्वविद्यालय में भी यूपी पुलिस की परीक्षाएं हैं, बच्चे आए हमसे मिले हैं, सदस्य भी बने हैं हमारे छात्र सभा के, समाजवादी पार्टी के सदस्य भी बने हैं, पर्ची भी कटा के गई। हमने उनसे पूछा कि क्या आपका क्या तकलीफ है, क्यों आप आज इस तरीके से हताश निराश होकर पेपर देने जा रहे हो भाई, तो वो छात्र बोलते हैं कि बड़े भाई जिस तरीके से हमारा पेपर पिछली बार लीक हो गया हमारे मन में आज भी भय है कि कहीं यह पेपर जो हम देने जा रहे हैं यह भी लीक ना हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो पेपर लीक की प्रथा उत्तर प्रदेश में चल पड़ी है इससे भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा ग्राफ नीचे गिरा है, तो पेपर लीक के वजह से छात्रों के उत्पीड़न के वजह से, और इन्हीं छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। और मैं वादा करता हूँ कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है इस कार्यक्रम से हम एक बड़े आंदोलन में भी कन्वर्ट करेंगे अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता है विश्वविद्यालय में तब। और लगभग हमारे यहाँ पे 200 छात्रों ने आज विश्वविद्यालय में एनडी हॉस्टल में 200 छात्रों ने आज सदस्यता ली लगभग, और यह कार्यक्रम चलता रहेगा 9 तारीख तक जिसमें वृक्षारोहण और कई कार्यक्रम है, आपको आगे सब बता दिया जाएगा किस तरीके का कार्यक्रम है। और मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज छात्र नौजवान परेशान है, छात्र नौजवान यह दिखा देंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ से कहाँ आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद।